बॉलीवुड अभिनेत्री रिचा चड्ढा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जिया और जिया को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। अभिनेत्री रिचा चड्ढा इस बात को लेकर हैरान हैं कि लोग उन्हें गुस्से वाली क्यों समझते हैं। उनका कहना है कि वे स्पष्ट और पर अपनी बात कहने वालों में से हैं। अभिनेत्री ने अपनी आगामी फिल्म जिया और जिया की शूटिंग के दौरान शनिवार को संवाददाताओं से यह बात कही। यह पूछे जाने पर कि वे अक्सर मीडिया के साथ बहस क्यों करती हैं, इस पर रिचा ने कहा, मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, मैं स्पष्ट और पर बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मीडिया भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने कहा, चूंकि मैं स्पष्ट और पर बोलने वालों में से हूँ, लोग अक्सर समझ लेते हैं कि मैं गुस्से वाली हूँ। खास तौर पर फकरे में बेबाकी से बोलने वाली भोली पंजाबन की भूमिका निभाने के कारण मेरी यह छवि बनी है। लोग किसी भी कलाकार की कोई खास छवि बना लेते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। अपनी बात स्पष्ट करते हुए रिचा ने कहा, मुझे लगता है कि कोई अपनी छवि खुद नहीं बनाता। यह मेरी समस्या नहीं है कि लोग मुझे मसान जैसी फिल्मों के लिए याद नहीं करते, बल्कि फुकरे जैसी फिल्म के लिए याद करते हैं। उन्होंने कहा, अगर वे दर्शक मुझे अन्य भूमिकाओं में याद रखना नहीं चाहते तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती।